जी हाँ, जहाँ पर एक बार फिर से लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बीते 1 अप्रैल को लोगों के द्वारा काली पट्टियां बांध कर 1 अप्रैल को काले दिवस के रूप में मनाया गया। लोग रख रहे हैं अपनी विभिन्न सूचियों पर। राजस्थान की समस्त 200 विधानसभाओं में 14 सूत्री मांगों को लेकर काले कपड़े पहनकर भरतपुर में 1 अप्रैल को शाम 6:30 बजे लक्ष्मी मंदिर चौराहा से लेकर बिजलीगढ़ चौराहे तक काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई गई। विधायक यादव ने बताया कि राजस्थान सरकार की नौकरियों में राज्य की युवाओं को 90% से 100% आरक्षण दिया जाए। गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% तक आरक्षण दिया जाए। 5 लाख पदों पर शीघ्र भर्तियां निकालकर 6 महीनों में नियुक्तियां दी जाए। परीक्षा प्रणाली को ठीक किया जाए तथा जिस लेवल की परीक्षा हो उसी लेवल के प्रश्न पत्र भी बनाया जाए, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और लोग अपनी मांगों को पूरे करने के लिए कर रहे हैं आंदोलन। अरे जब राजस्थान का मुख्यमंत्री एक विधायक को जमान देके मुकर जाए तो इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने विधानसभा में संकल्प लिया कि मैं 200 की 200 विधानसभा में जाऊंगा, काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा और सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा और लोगों को जागरूक करूंगा। हमारी मांग है सरकार से कि सरकार बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए चुटपुट भर्ती निकालने से नहीं होगा। एक साथ 5 लाख की भर्ती निकाले और तारीख बताए कि किस तारीख को परीक्षा होगी,